नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर स्कूल इंटर्नशिप चल रही है बीएड फर्स्ट ईयर की, तो उसमें आपको स्कूल कब तक अलॉट होगी, प्लस स्कूल अलॉट होने के बाद में आगे की क्या प्रक्रिया आपको करनी है, और कितने दिन की इंटर्नशिप होती है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पर चाहिए होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें आप। देखो, बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप चल रही है, 12 मार्च क्या चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है, और आपको कम से कम 15 और अधिकतम 20 क्या स्कूल चूज करनी है। और यहाँ पर जो स्कूल अलॉट का जो सिद्धांत लगता हुआ है कि पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है, पहले आओ और पहले पाओ। यानी कि आपने अगर मानो कि कोई स्कूल लिए उसमें 7 वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि 7 लोगों को इंटर्नशिप मिलती है, और वो पहले जो 7 लोग अप्लाई करेंगे ना उस स्कूल को, वो स्कूल उन 7 लोगों को मिलेगी। 8वां अगर उसको अप्लाई करता है, लेट अप्लाई करते हैं, तो वो स्कूल उसको नहीं मिलेगी। तो ये मेन है कि पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत लगता है इस पर। जो पहले फिल करेगा उसको पहले मिलेगी। माना कि आपने एक नंबर पर अगर सबसे पहले चॉइस फिल किया है, तो वो स्कूल आपको सबसे पहले वो ही मिलेगी। और ज्यादातर क्या होता है कि फर्स्ट स्कूल ही आपको मिल जाती है, ठीक है, अगर आप कहीं भीड़ वाली जगह नहीं हो जयपुर सिटी वगैरह में, तो आपको क्या है फर्स्ट चॉइस ही मिल जाती है लगभग, ठीक। अब बात करते हैं कि स्कूल अलॉट कब तक होगी। तो शेड्यूल के हिसाब से आपको स्कूल कब अलॉट होगी, 15 मार्च को। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर जो शेड्यूल दिखा रखा है उस दिन आपको स्कूल अलॉट हो जाती है, ठीक है। 15 की जगह ये 16 मार्च तक चला जाएगा आपके, लेकिन फिलहाल अपने को 15 मार्च ही देखना है, ठीक है। 15 या 16 मार्च को आपको स्कूल अलॉट हो जाएगी, और उसके 10 से 15 दिन, कभी 10 दिन देते हैं और कभी 15 दिन देते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर आपको वो स्कूल ज्वाइन करनी होती है। आपकी इंटर्नशिप होती है वो एक महीने की, मान लो आप लगभग 28 दिन की होती है, ठीक है, 28 दिन की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर आपको स्कूल ज्वाइन करना होता है। माना कि अगर 15 मार्च को आपको क्या स्कूल अलॉट हो जाती है, तो आप 25 मार्च तक आपको स्कूल ज्वाइन करनी है। अगर 25 मार्च तक आपने स्कूल ज्वाइन नहीं की, तो फिर आपको क्या है, फिर आगे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और अगले राउंड का वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 25 लगभग 10 या 15 दिन देते हैं, कई बार 10 दे देते हैं, कई बार 15 दे देते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको क्या, एक अलॉटमेंट लेटर होगा जो यहाँ से आपका जो शाला दर्पण की वेबसाइट है यहाँ से निकलेगा, प्लस एक रिलीविंग लेटर होता है, ठीक है। रिलीविंग लेटर आपको जो आपकी कॉलेज है वो देती है कि आपको क्या अभी कॉलेज वालों ने रिलीव कर दिया है, आप इंटर्नशिप करने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। तो वो रिलीविंग लेटर आपको क्या कॉलेज से जाकर लाना होगा, ठीक है। फिर एक फोटो और आधार कार्ड वगैरह की कॉपी ले जाकर आपको स्कूल वालों को देनी है। 3-4 चीज है, एक अलॉटमेंट लेटर जो आपका साइट से निकलेगा जब अलॉट हो जाएगी स्कूल वो, फिर एक रिलीविंग लेटर जो कॉलेज वाले देंगे, और एक आधार कार्ड और एक फोटो, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी और फोटो ले जाना है, और आपको स्कूल में क्या इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। 28 दिन की इंटर्नशिप होती है, ठीक है, 28 दिन फिल करने होते हैं आपको, ठीक। तो इस हिसाब से आपकी प्रक्रिया रहने वाली है, और 30 अब आपको पता ही नहीं चलेगा कितना जल्दी निकल जाएगा। और अगर डायरी वगैरह आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं मैं टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करें। वहां पर आपको क्या हर एक सब्जेक्ट की डायरी मिल जाएगी जो आपको इंटर्नशिप में बनानी होती है। बाकी आप कमेंट करके कोई चीज अगर पूछना है आपको, तो पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जीवा स्टडी को, क्योंकि यहां पर आपको बीएड से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम का समाधान मिलता रहता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि चॉइस फिल की लास्ट डेट आपकी 12 तारीख है, और आपको चॉइस लॉक नहीं करनी है, वो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगी, और स्कूल अलॉट आपकी 15 तारीख होगी शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन अगर एक आधे दिन लेट भी होता है, तो 16 को आपको 100% क्या हो जाएगी, अलॉट हो जाएगी। उससे फिर 10 से 15 दिन जितना भी दिया हुआ आएगा अलॉटमेंट लेटर में, कभी 10 दिन देते हैं, कभी 15 दिन, उसमें आप क्या है स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये प्रक्रिया रहती है। डायरी वगैरह कैसे बनानी है, क्यों बनानी है, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, बन रहे जीवा स्टडी के साथ।